हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी चीज के सही गलत के चक्कर में नहीं पड़ता। इस माइंड को पावरफुल बनाने के लिए अटेंशन या कंसंट्रेशन सबसे जरूरी चीज है। इसलिए यदि कोई एक बात एक बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, तो फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस बात को सच करने की हर संभव कोशिश करता है। हेलो ब्रेन बुक आर्मी, स्वागत है आप सभी का ब्रेन बुक चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज मैं आपके लिए चार्ल्स एफ हैनल की बुक द मास्टर की सिस्टम की कंप्लीट बुक समरी लेकर आया हूं। ये बुक ना सिर्फ आपको अच्छा महसूस करने बल्कि अच्छा सोचने पर मजबूर कर देगी। द मास्टर की सिस्टम में 24 चैप्टर्स हैं, जिसमें चार्ल्स हैनल ने हेल्दी बनने से लेकर अमीर बनने तक हर चीज के बारे में बताया है। इसमें उन्होंने एक ऐसे सिस्टम के बारे में बताया है जिसे फॉलो करके आप जो चाहे वो पा सकते हैं। ये उन बुक्स में से एक है जिससे इंस्पायर होकर रोंडा बार ने अपनी वर्ल्ड फेमस बुक द सीक्रेट लिखी। थिंक एंड ग्रो रिच के ऑथर नेपोलियन हिल ने भी अपनी सक्सेस का सारा क्रेडिट इस बुक को दिया है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस बुक को पढ़ने के बाद ही बिल गेट्स को हार्वर्ड की अपनी पढ़ाई छोड़कर माइक्रोसॉफ्ट को बनाने का आइडिया आया। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में बताई जा रही अनमोल जानकारी में खो जाएं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके अपने चैनल ब्रेन बुक पर मैं आपके लिए लाइफ चेंजिंग और इंस्पायरिंग बुक्स की कंप्लीट बुक समरीज लेकर आता हूँ। हमारे चैनल पर कुछ ही वीडियोस पर कंप्लीट बुक समरीज की बजाय सभी वीडियोस चैप्टर बाय चैप्टर समरीज के मिलेंगे, ताकि इन बुक्स में बताई गई कोई भी इम्पोर्टेंट बात मिस ना हो पाए। इसी कारण से या तो कुछ वीडियोस दो या तीन पार्ट्स में या थोड़े लंबे होते हैं। तो अगर आपने ब्रेन बुक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें, ताकि आप देख सकें इन वीडियोस को सबसे पहले। इस वीडियो के अंत में मैं बताए गए सभी इम्पोर्टेंट बातों को शॉर्ट में दोबारा दोहरा दूंगा, ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं द मास्टर की सिस्टम के पहले चैप्टर से। चैप्टर वन, हम लोग इस दुनिया में अपने सबकॉन्शियस माइंड द्वारा जुड़े हैं। हमारा दिमाग हमारे मन का बस एक ऑर्गन है। किसी इंसान की सोच की एबिलिटी ही किसी काम को करने और अपनी मनचाही चीज पाने की एबिलिटी है। हमारा दिमाग एक स्टैटिक एनर्जी है, जबकि हमारा मन एक डायनामिक एनर्जी है। इसलिए हमारी सोच ही वो फोर्स है जो हमारे स्टैटिक माइंड को डायनामिक माइंड में बदल देती है। हमारा हर थॉट एक कॉज है और हर कंडीशन एक इफेक्ट है। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखें, ताकि अपने मनचाहे रिजल्ट्स पा सकें। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आपकी भीतरी दुनिया का इफेक्ट आपकी बाहरी दुनिया पर पड़ता है। जब आप अपनी भीतरी दुनिया में चेंजेस करते हैं, तो आपकी बाहरी दुनिया में भी मनचाहे चेंजेस होने लगते हैं। ये वो लॉ है जो गरीबी को अमीरी में, अज्ञान को ज्ञान में और गुलामी को आजादी में बदल सकता है। चैप्टर टू, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आइडियाज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं और अपने इंटरेस्ट को अनदेखा करते हैं। हमारा काम नेचर के ऐसे लॉज को ढूंढना है जिनकी मदद से हम सक्सेस पा सकते हैं। कॉन्शियस माइंड, हमारा कॉन्शियस माइंड हमारी पांच सेंसेस के द्वारा हमारी बाहरी दुनिया से चीजों को रिसीव करता है। इसमें चीजों में भेदभाव करने की एबिलिटी होती है और ये पॉसिबल रिजल्ट्स के बेसिस पर डिसीजन लेता है। कॉन्शियस माइंड एक तरह से सबकॉन्शियस माइंड के वॉचमैन की तरह काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी चीज के सही गलत के चक्कर में नहीं पड़ता। इसके लिए ये पूरी तरह से कॉन्शियस माइंड पर डिपेंड करता है। इसलिए यदि कोई एक बात एक बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, तो फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस बात को सच करने की हर संभव कोशिश करता है। अब चाहे वो बात आपके लिए पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, सबकॉन्शियस माइंड इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकता। ये तो बस इसे दिए गए इंस्ट्रक्शंस या सजेशंस के आधार पर काम करता है। चैप्टर थ्री, अपने मन से हर तरह के नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस को बाहर निकाल दें, क्योंकि इस तरह के थॉट्स और इमोशंस आपको वो सब कुछ पाने से रोकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। इस प्रैक्टिस को तब तक दोहराते रहें जब तक आपको इस बात का विश्वास न हो जाए कि लाइफ में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे आप नहीं पा सकते। ये हमारे मन के एटीट्यूड पर निर्भर करता है, हम अपनी लाइफ कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आप किसी भी चीज की उम्मीद नहीं करते, तो आपको अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं मिलेगा।
और अगर आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों की उम्मीद करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। दुनिया हमें तभी ठोकर मारती है जब हम खुद को परखने में फेल हो जाते हैं। हमें अपनी लाइफ में सिर्फ उन चीजों पर ध्यान लगाना चाहिए जिन्हें हम अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं और ना कि उन चीजों पर जिन्हें हम नहीं चाहते। चैप्टर 4। ज्यादातर लोग सिर्फ अपने सेल्फिश मोटिव्स को पूरा करने की सोचते हैं। इस प्रकार की सोच एक बचकाने दिमाग की सोच है। एक मैच्योर दिमाग इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि हर सेल्फिश थॉट के पीछे फेलियर का एक जर्म छिपा रहता है। एक ट्रेंड माइंड इस बात को जानता है कि किसी भी तरह के लेन देन में हर उस व्यक्ति का फायदा होना चाहिए जो उस लेन देन से जुड़ा हो, और अगर हम दूसरों की कमजोरी या जरूरत का फायदा उठाकर खुद प्रॉफिट करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर इंसान इस यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाकर या धोखा देकर खुद कभी खुश नहीं रह सकते। किसी भी लेन देन या काम में आपको खुशी और सफलता तभी मिलेगी जब आप अपने साथ साथ सामने वाले के वेलफेयर यानी हितों को ध्यान में रखकर काम करेंगे। चैप्टर 5। मैटर या पदार्थ। मैटर या पदार्थ पावरलेस, पैसिव और निष्क्रिय है, जबकि माइंड एक फोर्स, पावर और एनर्जी है। माइंड ही चीजों को आकार देता है और कंट्रोल करता है। आप अपने माइंड में थॉट्स को पैदा करते हैं। क्योंकि थॉट्स क्रिएटिव होते हैं, इसलिए आप अपने लिए हर उस चीज को बना सकते हैं जो आप चाहते हैं। हमारी लाइफ का 90% हिस्सा हमारे सबकॉन्शियस माइंड द्वारा कंट्रोल होता है। अगर हम ये समझ जाएं कि हम अपने थॉट्स और इमोशंस को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक किस तरह पहुंचा सकते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। आप आज जो भी हैं वो अपने पास्ट की थिंकिंग का नतीजा है, और आप आगे जो भी होंगे वो आपकी आज की थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन चीजों को हमारे पास नहीं लाता जो हम पसंद करते हैं या जो हम चाहते हैं या जो चीजें किसी और के पास हैं, बल्कि ये हमारे पास उन चीजों को लाता है जिन्हें हम अपने थॉट प्रोसेस द्वारा बनाते हैं। चैप्टर 6। माइंड को पावरफुल बनाने के लिए अटेंशन या कॉन्सेंट्रेशन सबसे जरूरी चीज है। अटेंशन ही वो इकलौती ऐसी चीज है जो किसी भी सक्सेसफुल आदमी या औरत को एक दूसरे से अलग करती है। आप अटेंशन की पावर को ऐसा समझ सकते हैं जैसे किसी मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज की किरणों को गुजारा जाए। अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास को इधर उधर करते रहेंगे तो सूरज की किरणें भी इधर उधर होती रहेंगी और एक जगह पर फोकस नहीं हो पाएंगी। वहीं अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास को एक जगह पर टिका कर रखते हैं तो सूरज की किरण बिल्कुल एक जगह पर फोकस होगी और इससे सामने आने वाली हर चीज को जला देगी। हमारी थॉट्स के साथ भी ऐसा ही कुछ है। अगर आप अपनी अटेंशन को एक थॉट से दूसरे थॉट पर फोकस करते रहेंगे तो इससे आपके थॉट की पावर बिखर जाएगी और आपको कोई भी परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने किसी एक थॉट पर फोकस करेंगे तो अपना पूरा अटेंशन उस थॉट पर लगाएंगे तो आपके लिए कोई भी चीज हासिल करना इम्पॉसिबल नहीं होगा। चैप्टर 7। किसी भी चीज को पाने से पहले या किसी भी काम को पूरा करने से पहले उस चीज या उस काम का आइडियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। ये किसी भी चीज को पाने का सबसे पहला स्टेप है। जैसे कि कोई आर्किटेक्ट किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले उस बिल्डिंग की बारीक से बारीक हर डिटेल को पहले से ही प्लान कर लेता है, इसलिए आप भी अपनी लाइफ में जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसकी एक बिल्कुल क्लियर तस्वीर आपके मन में होनी चाहिए। आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसकी हर एक डिटेल आपके मन में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। शुरुआत में अपनी मनचाही चीज को विजुअलाइज करने में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर आप इस विजुअलाइजेशन की प्रोसेस को बार बार दोहराते रहेंगे तो आपके मन में आपकी मनचाही चीजों की मेंटल इमेज बिल्कुल क्लियर होती जाएंगी। चैप्टर 8। ये बात हम सभी जानते हैं कि अपने थॉट्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो ऐसा किया जा सकता है। इसका सबसे अच्छा तरीका है अपने नेगेटिव थॉट्स को एक एक करके किसी पॉजिटिव थॉट से बदल देना। इसके लिए आप इमेजिनेशन की प्रोसेस की मदद ले सकते हैं। इमेजिनेशन एक ऐसी लाइट की तरह है जो आपके मन में नए थॉट्स और एक्सपीरियंसेस को पैदा कर सकती है। इमेजिनेशन ही वो इकलौता ऐसा टूल है जिसकी मदद से सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हुए हैं। इमेजिनेशन पावर को बढ़ाने के लिए इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जिस तरह फिजिकल मसल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत होती है, उसी तरह मेंटल मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मेंटल एक्सरसाइजेस की जरूरत पड़ती है। चैप्टर 9। अगर आप अपनी सिचुएशन को बदलना चाहते हैं
तो सबसे पहले आपको अपने आप को बदलना होगा। इसके लिए सबसे अच्छा टूल है अफर्मेशंस। आप जो भी चाहते हैं उसे अफर्मेशंस के जरिए इस तरह से बार बार दोहराएं जैसे वो चीज आपके पास है। जब आप अफर्मेशंस को बार बार दोहराते हैं तो ये आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाती है और आपका दिमाग इस पर बिलीव करने लगता है। इस बात का ध्यान रखिए कि आपके दिमाग में दो तरह के थॉट्स कभी भी एक टाइम और एक ही जगह पर नहीं रह सकते। या तो आप डरपोक हो सकते हैं या फिर निडर, या तो आप कॉन्फिडेंट रह सकते हैं या फिर कॉन्फिडेंट नहीं रह सकते। पॉजिटिव अफर्मेशंस के जरिए हम अपने फियर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और टेंशन को करेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस में बदल सकते हैं। जिस तरह लाइट होने पर गहरे से गहरा अंधेरा भी दूर हो जाता है, उसी तरह जब आप पॉजिटिव अफर्मेशंस को बार बार दोहराते हैं तो इससे पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स की जगह लेने लगते हैं। अगर आप भी अपने विश्वास की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं और एक पॉजिटिव जीवन जीना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं और सफलता पाना चाहते हैं, तो हमने अपनी वेबसाइट brainbook.in पर पॉजिटिव अफर्मेशंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ ऑडियो बनाए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इन ऑडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर 10, किसी भी कंस्ट्रक्टिव थॉट का क्रिएटिव होना जरूरी है, क्योंकि इससे ये आपके दिमाग से सभी तरह के डिस्ट्रक्टिव और कॉम्पिटिटिव थॉट्स को बाहर निकाल देता है। विजडम, स्ट्रेंथ, करेज और इसी तरह की सभी पावर्स आपके अंदर से ही आती हैं, और इसी तरह से वीकनेस, फियर, लैक ऑफ मोटिवेशन, ये सभी चीजें भी आपके अंदर से ही आती हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है। जैसा आप सोच रहे होते हैं आपके अंदर से उसी तरह की एनर्जी निकल रही होती है। दूसरी चीज ये है कि आपको इस नॉलेज को अप्लाई करना होगा। अबंडेंस कहीं आसमान से आकर आपकी गोद में नहीं गिर जाएगी, बल्कि इसके लिए आपको एक्शन लेना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आप अपने मनचाहे गोल और डिजायर्स को पाने के लिए एक्शन लेते हैं। चैप्टर 11, हमारी लाइफ कुछ ऐसे यूनिवर्सल रूल्स से चलती है जो एक समान रूप से सभी जगह लागू होते हैं। ह्यूमन बिहेवियर का असेसमेंट या मूल्यांकन और उसकी प्रिडिक्शन एक हद तक इन्हीं नियमों से की जाती है। हम किसी चीज की जैसी मेंटल इमेज बनाते हैं, उसी का एक्सप्रेशन हमें बाहरी दुनिया में मिलता है। हम जैसी सोच रखते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है। हमारी लाइफ की सिचुएशंस हमारे द्वारा बनाई गई परिकल्पनाओं पर डिपेंड करती हैं। साइकोलॉजी में इसको सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी यानी हमारे खुद के द्वारा की गई भविष्यवाणी भी कहते हैं। हर विचार अपने जैसे ही रिजल्ट्स को अट्रैक्ट करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हमारे विचार मैग्नेट की तरह हमारे गोल को अट्रैक्ट करते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही लोग हमें मिलते हैं, और इस तरह हमारी लाइफ में कॉज और इफेक्ट की एक चेन बन जाती है। हम अपनी लाइफ की हर सिचुएशन के लिए खुद जिम्मेदार हैं, या यूं कह लें कि हम खुद ही परिस्थितियों के निर्माता हैं। चैप्टर 12, लाइफ में किसी भी गोल को हासिल करने के लिए आपको अपने गोल के प्रति पूरी तरह से सीरियस और ऑनेस्ट होना चाहिए। इसके लिए आप सबसे पहले कॉन्फिडेंस के साथ पूरी ईमानदारी से अपने गोल की तरफ बढ़िए। जब आप कोई गोल सेट करें तो आपको अपनी पूरी मेंटल एनर्जी उसी पर लगानी चाहिए। आपको अपना पूरा अटेंशन अपने गोल पर ही रखना चाहिए, उसी के बारे में सोचना चाहिए और उसी पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। ऐसा करके आप पाएंगे कि चमत्कारिक रूप से आपको अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए जरूरी नॉलेज मिल जाएगी। टाइम और थिंकिंग, इन दोनों को ही सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करने से मनचाहा मकसद जरूर मिलता है। आपके दिमाग में आपके गोल की मेंटल इमेज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आपका फिजिकल वर्ल्ड आपके मेंटल वर्ल्ड का ही एक्सप्रेशन होता है। अपने विचारों पर फुल कॉन्सेंट्रेट करने से आपके गोल क्लियर होते जाते हैं और आप उनको आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। चैप्टर 13, विचार एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है। जब आप सोच रहे होते हैं तब आप इमेजिनेशन की एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जिसमें नेचर के बहुत से रहस्य छुपे हुए होते हैं, और इस तरह बहुत से साइंटिस्ट अपनी सोच में जो भी इमेज बनाते हैं वो मेंटल एनर्जी से लगातार पोषण पाकर एक दिन एक बड़ी खोज के रूप में हमारे सामने होती है। हमारी एग्जिस्टेंस इस बड़े से यूनिवर्स का एक हिस्सा है जिसमें हम रह रहे हैं। जब हम खुद का विस्तार करके खुद को यूनिवर्स के साथ जोड़ लेते हैं तब हम इनफाइनाइट हो जाते हैं और हमारी सोच का दायरा भी लिमिटलेस हो जाता है। अपनी कॉन्शियसनेस को लगातार बढ़ाते हुए हमें खुद के और हमारे बनाने वाले के बीच के डिफरेंस को खत्म करना है, जिससे हम अपने रियल नेचर को जान सकें और अपनी स्ट्रेंथ को पहचान सकें।
किसी भी बड़ी खोज, घटना या काम के पीछे एक सोच ही होती है। ये विचारों की ताकत ही है जो सभी मुश्किलों को पार करके समय से परे हिस्ट्री क्रिएट कर सकती है। आज हमारे आसपास जो कुछ भी महान या सरप्राइजिंग है, वो किसी की इमेजिनेशन से ही संभव हो पाया है। कभी ना कभी किसी ने उसका सपना जरूर देखा होगा। जो इंसान बड़ा सोच सकता है, वही इस दुनिया में कुछ बड़ा कर सकता है। ये दुनिया कॉज और इफेक्ट के नियम से चलती है। हमारी सोच ही बाहरी दुनिया में हमारे साथ हो रही सभी घटनाओं का कारण है। चैप्टर 14। हमारी लाइफ में थॉट्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। हमारे थॉट्स अपने साथ एक तरह की एनर्जी लेकर चलते हैं, जिसका असर हम अपने रोजमर्रा की लाइफ में फील करते हैं। हम जैसा सोचते हैं, वैसी ही कंडीशंस हम अपने आसपास बना लेते हैं। हमारे लाइफ की हर अच्छी बुरी कंडीशंस के लिए हमारे थॉट्स ही जिम्मेदार हैं। हमारे थॉट से हमारे एक्शंस डिसाइड होते हैं, जो अंत में हमारे लिए मनचाही या गैर मनचाही कंडीशंस बना देते हैं। जब हम अपने लाइफ की नेगेटिव सिचुएशंस को इग्नोर करते हैं, उनकी मौजूदगी को नकार देते हैं, उस समय हम अपने थॉट्स की एनर्जी को उन सिचुएशन से अलग कर रहे होते हैं, और इस तरह हम ये पाते हैं कि धीरे धीरे एक दिन वो सारी सिचुएशंस गायब हो जाती हैं। इसके ऑपोजिट, जब हम बार बार नेगेटिव कंडीशंस पर फोकस करते हैं, उन्हें बुरा भला कहकर अपनी किस्मत को कोसते हैं, तो जाने अनजाने में ही हम बिलीव का एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जो इस नेगेटिव सिचुएशन को हमारी लाइफ का हिस्सा बना देती है। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। हमें विश्वास के साथ एक ऐसे सिस्टम पर काम करना चाहिए जिसमें नेगेटिव कंडीशंस के लिए कोई जगह ना हो। चैप्टर 15। नेचर सबसे अच्छी टीचर होती है, जो धरती पर जीवों को हमेशा सर्वाइवल की दिशा में मोड़ती रहती है। जैक्स लॉक के द्वारा किए गए एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने प्रूव किया कि लाइफ के सबसे निचले क्रम में आने वाले ऑर्गेनिज्म भी नेचुरल लॉज का लाभ उठाते हैं। इसे सिद्ध करने के लिए उन्होंने गुलाब की कुछ झाड़ियों को एक कमरे में बंद कर खिड़की के पास सूखने के लिए रख दिया। फिर उन्होंने फाइड्स नाम के परिजीवी को उन झाड़ियों के पास छोड़ दिया। लॉक ये देखकर हैरान रह गए कि जिस परिजीवी के पहले पंख नहीं थे, अब उसके पंख आ गए और वो उड़कर खिड़की के शीशे पर बैठ गया। इससे ये साबित हुआ कि जब पौधा सूख गया और उस परिजीवी को जिंदा रहने के लिए जरूरी पोषण नहीं मिला, तो उसने पौधे को छोड़कर उड़ने के लिए पंख डेवलप कर लिए। इस पूरे एक्सपेरिमेंट का पॉजिटिव साइड ये है कि नेचुरल लॉज हमारी लाइफ में जो भी कंडीशंस लाते हैं, वो हमारी भलाई और फायदे के लिए ही होती हैं। हम जो भी स्ट्रगल करते हैं, उसी प्रोपोर्शन में हमें खुशियां भी मिलती हैं। चैप्टर 16। समय का नियम इस यूनिवर्स को चलाता है। हम सबका अपना एक टाइम साइकिल है। यदि हम अपनी लाइफ के इस टाइम साइकिल को समझ लेते हैं, तो हम अपने आने वाले लाइफ के विषय में तैयारियां कर सकते हैं और काफी हद तक अपने आने वाले लाइफ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल लॉज होते हैं। इनमें कोई बदलाव नहीं होता है और इन्हीं से दूसरे लॉज भी ऑपरेट होते हैं। हम जो भी सोचते हैं, वैसी ही मेंटल इमेज क्रिएट करते हैं, और हर मेंटल इमेज एक एनर्जी क्रिएट करती है। हमें अपनी स्पिरिचुअल पावर को पहचान कर ये चुनाव करना है कि हम कैसी मेंटल इमेज बनाएं। यदि हम इस लॉ को समझ लेते हैं, तो हम अपनी डेस्टिनी, माइंड, बॉडी और यहाँ तक कि अपनी सोल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इससे हम अपनी लाइफ को मनचाही दिशा देकर बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। जब हम इस नियम को समझ लेते हैं, तो अपनी स्पिरिचुअल पावर को पहचान लेते हैं, तो हम अपने मास्टर बन जाते हैं और हम अपनी हर परिस्थिति को अपने अनुसार मोड़ना सीख लेते हैं। चैप्टर 17। अक्सर हमने देखा है कि अलग अलग सभ्यताओं, धर्मों और देशों के लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हम सभी में कॉमन बात यह है कि ये लोग जैसा अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं, जिन क्वालिटीज या पावर्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं, इनके देवी देवताओं में भी वही क्वालिटीज या पावर होती हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि देवी देवताओं की पूजा करने या उनको फॉलो करने के पीछे सोच यही है कि जब हम बार बार इन देवी देवताओं की क्वालिटीज और पावर्स पर ध्यान लगाते हैं, तो हमारे अंदर भी वही क्वालिटीज और पावर्स डेवलप होने लगती हैं। इस दुनिया पर इंसान नहीं बल्कि विचार ही शासन करते हैं, क्योंकि विचार ही सबसे पावरफुल होते हैं। इसलिए हमें अपने दिमाग को एक खास तरह से ट्रेन करके अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना चाहिए। हमारी कॉन्शियसनेस ही हमें वो बना सकती है जो हम बनना चाहते हैं। चैप्टर 18। हमारे थॉट्स ही हमारे रिजल्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। हम जो चाहते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं, और जब लगातार उसी पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो
तो हमारी मेंटल एनर्जी एक मैग्नेट की तरह काम करती है और हम जो चाहते हैं वो हमारे पास खींचा चला आता है। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। हर इंसान इस यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है, उसमें वो सब है जो इस यूनिवर्स में है। अब ये उसकी सोच पर डिपेंड करता है कि वो यूनिवर्स से किन चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करवाता है। एक इंडिविजुअल इंसान के तौर पर हमारी पर्सनैलिटी भी इस बात पर डिपेंड करती है कि हम खुद को पूरी दुनिया के साथ किस प्रकार रिलेट करते हैं। हमारे आसपास की कंडीशंस या एनवायरनमेंट हमारे थॉट से ही क्रिएट होते हैं। हम खुद को जिस तरह पूरे यूनिवर्स से रिलेट करते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं और हमारी लाइफ भी वैसी ही बन जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा हम अपने लाइफ की कंडीशंस को खुद बनाते हैं। चैप्टर 19, डर एक पावरफुल इमोशन है जिसकी शुरुआत एक खास तरह की थॉट प्रोसेस से होती है और फिर ये हमारे ब्रेन, बॉडी और पूरे फिजिकल सिस्टम को प्रभावित करता है। जब कोई इंसान किसी हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम से लड़ने में खुद को असमर्थ पाता है तो उसके अंदर एक तरह का डर आ जाता है जो आगे चलकर एंग्जाइटी का रूप ले लेता है। डर को कम करने का तरीका यही है कि हम अपनी ताकत को और खुद को पहचानें। हर इंसान में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज और एनर्जी है, बस जरूरत है तो उसे रियलाइज करने की। जब हम अपनी स्ट्रेंथ और पावर को पहचान कर उसे सही डायरेक्शन में अप्लाई करना सीख जाते हैं तो ये एक वाइटल फोर्स की तरह काम करता है जिससे हम मेंटली, मॉरली और स्पिरिचुअली एफिशिएंट बन जाते हैं। चैप्टर 20, इस दुनिया में जो कुछ भी अच्छा या बुरा है वो किसी न किसी सोच का ही परिणाम है। इस यूनिवर्स में मनुष्य एक लॉजिकल और रैशनल जीव है। उसके पास थिंकिंग एबिलिटी है और अपनी इस पावर से वो अपने एनवायरनमेंट के साथ साथ पूरी दुनिया में उलटफेर कर सकता है। अपनी थिंकिंग एबिलिटी से ही मनुष्य अपने लिए मनचाही कंडीशंस बनाता है और अपने सर्वाइवल को सुनिश्चित करता है। ये सब कुछ उसकी सोच के परिणाम पर ही डिपेंड करता है। इस दुनिया में जो कुछ भी क्रिएट हो रहा है वो किसी न किसी सोच का ही परिणाम है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर घटना के पीछे सोचने समझने की प्रक्रिया ही शामिल होती है। जब हम अपने थॉट्स की क्रिएटिव पावर को स्वीकार करते हैं तब ये एक्टिव होकर उसी के मुताबिक हमें रिजल्ट देती है। आखिरकार हम वो हैं जो हम सोचते हैं। चैप्टर 21, हमें अपनी लाइफ में एक बहुत बड़े गोल को सेट करना चाहिए क्योंकि बड़ा गोल बड़ी सोच को जन्म देता है। माइंड की क्रिएटिव एनर्जी एक फोर्स की तरह उस गोल तक पहुंचने में हमारी मदद करती है। बड़ी सोच या बड़े आइडियाज हमेशा छोटी छोटी नेगेटिव टेंडेंसीज को खत्म कर देते हैं। हमारे लिए छोटी छोटी कई सिचुएशंस की तुलना में एक बड़ी सिचुएशन को हैंडल करना ज्यादा आसान होता है। जब हम एक लंबे समय तक किसी सोच को अपनी कॉन्शियसनेस में होल्ड करके रखते हैं तब वो एक पैटर्न की तरह हमारे अनकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है और फिर ये हमारी लाइफ में धीरे धीरे उतरने लगता है। दोस्तों, हमने अपने चैनल ब्रेन बुक पर द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, तो अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। चैप्टर 22, विचार हमारे लाइफ में आध्यात्मिक बीज की तरह काम करते हैं। ये ना सिर्फ हमारे लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट करते हैं बल्कि हमारे शरीर की केमिस्ट्री को भी प्रभावित करते हैं। विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए कुछ खास तरह के विचार जिम्मेदार होते हैं। डर, चिंता, घृणा, ईर्ष्या आदि विचार अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा करते हैं। यदि हम इनसे बचना चाहते हैं तो हमें लाइफ की स्पिरिचुअल वैल्यूज को समझना होगा और इन नेगेटिव थॉट्स को विश्वास, आशा, प्यार और आनंद जैसी अच्छी फीलिंग्स में बदलना होगा। हर नेगेटिव थॉट नेगेटिव इमोशन के साथ साथ नेगेटिव एनर्जी को भी बढ़ाती है जो शरीर के अंदर के बैलेंस को बिगाड़ देता है जिससे हमारी हेल्थ खराब हो जाती है और हमें अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि हम पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स जन्म लेती हैं जिनकी वजह से अच्छे हार्मोन निकलते हैं और हम खुद को हेल्दी महसूस करते हैं। हर इंसान की लाइफ का एम केवल पैसा कमाना नहीं बल्कि खुशियां बांटना भी होना चाहिए। इस दुनिया से सिर्फ लेने में नहीं बल्कि इसको देने में लाइफ का मीनिंग छुपा है। ईश्वर की बनाई इस दुनिया को हम अपने एफर्ट से और सुंदर बनाने के लिए यहाँ आए हैं। लाइफ की सफलता सेवा करने में है। हम जो कुछ भी देते हैं हमें वही वापस मिलता है। यही प्रोसेस एक चेन की तरह चलती रहती है। इसके लिए हमारे थॉट्स का कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है और ये बेहद प्रैक्टिकल और साइंटिफिक भी है क्योंकि ऐसा करके हम अपने गोल के बहुत करीब पहुँच जाते हैं। सेल्फिश थॉट्स आपको अपने गोल्स तक नहीं पहुँचा सकते।
हर थॉट एक मैग्नेट की तरह काम करता है जो आपके गोल को अपनी ओर खींचता है। जब आप किसी को कुछ देते हैं या किसी की सेवा करते हैं तब उस समय लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन के अनुसार इसके बदले आप भी कुछ पाते हैं और ये आपकी एक्सपेक्टेशन से कई गुना अधिक होता है। चैप्टर 24, आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहते हैं पहले आपको उसकी एक मेंटल इमेज बनानी पड़ेगी, फिर उस पर कॉन्सेंट्रेट करके लगातार उसको पोषण देना होगा। फिर आप देखेंगे कि थॉट्स की पावर से चमत्कारिक रूप से आपकी मनचाही चीजें आपके पास आने लगेंगी। हमारा माइंड इस पूरे यूनिवर्सल माइंड का ही एक छोटा सा कण है। हम वो सब कुछ पा सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, बस हमें अपनी मेंटल पावर पर भरोसा होना चाहिए। हमें इस सच को एक्सेप्ट करना होगा कि हम पावरफुल हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। ये नॉलेज हमें तमाम तरह की नेगेटिव थॉट से आजाद कर देती है और हम खुद पर पहले से अधिक भरोसा करने लगते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं बताए गए सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहरा दूंगा, तो चलिए सारी इम्पोर्टेंट बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। अपने मन से हर तरह के नेगेटिव थॉट और इमोशन को बाहर निकाल दें, क्योंकि इस तरह के थॉट्स और इमोशंस आपको वो सब कुछ पाने से रोकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। आप आज जो कुछ भी हैं वो आपके पास्ट की थिंकिंग का नतीजा है। आप आगे जो कुछ भी होंगे वो आपके आज की थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप अपनी सिचुएशन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा। लाइफ में किसी गोल को हासिल करने के लिए आपको अपने गोल के प्रति पूरी तरह से सीरियस और ऑनेस्ट होना चाहिए। नेचुरल लॉज हमारी लाइफ में जो भी कंडीशंस लाते हैं वो हमारी भलाई और फायदे के लिए ही होते हैं। इस दुनिया पर इंसान नहीं बल्कि विचार ही शासन करता है, क्योंकि विचार ही सबसे पावरफुल होता है। हर इंसान इस यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है, उसमें वो सब है जो इस यूनिवर्स में है। अब ये उसकी सोच पर डिपेंड करता है कि वो यूनिवर्स से किन चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जब आप किसी को कुछ देते हैं या किसी की सेवा करते हैं तब उस समय लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन के अनुसार इसके बदले आप भी कुछ पाते हैं और ये आपकी एक्सपेक्टेशन से कई गुना अधिक होता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको द मास्टर की सिस्टम बुक पर बना ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैं जल्दी आपके लिए एक दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।